लगता है क्या एग्जाम में? कोई कहता है हम तो तुक्का लगा देंगे, कोई कहता है नहीं लगता, कोई कहता है लगता है। ये काफी उलझी हुई पहेली बनती जा रही है दिन पे दिन, क्योंकि आजकल जो है ज्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं और बच्चों को इसमें काफी डाउट रहता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देख कोई पढ़ाई नहीं करियो पूरे साल, तुक्का कैसे लगाते हैं? ए सी। पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कराएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। तुक्का जम के लगाइएगा परीक्षा। कभी भी उस क्वेश्चन पे तुक्का मत लगाइएगा जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। ये पापा ये सब तो पढ़ाई नहीं कोचिंग ने यार, वो कहानी सुना दी ये सब पता ही नहीं। देखते हैं इसके बारे में क्या करना है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सविता अधाना, और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। उस टॉपिक के अंदर इतनी ज्यादा आपको सोचना पड़ता है कि भाई तुक्का लगता है, क्या तुक्का लगता है या नहीं लगता, या सिर्फ ये तो एक बनावटी बात है भाई, नहीं नहीं ये तुक्का नहीं लगता, ये सब ऐसे है वैसे है इस तरीके से। तो आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आप जो लोगों के लिए जो लेकर आई हूँ वो मैं ये लेकर आई हूँ कि हाँ तुक्का लगता है, लेकिन तुक्का कहाँ लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है देखने के लिए। तो चलिए इसको आज हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है तुक्का लगता है या नहीं, आज की जो मेन 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 हमारा फंडा है टॉपिक का वो यही है। तो देखिए बच्चे आजकल क्या है, एमसीक्यूज आजकल नाइन्थ से स्टार्ट हो जाते हैं, टेंथ बोर्ड में, ट्वेल्थ में, जेई और नीट, यूपीएससी, कैट सभी एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं। और उसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम ये सोचते हैं कि क्या हम इसमें तुक्का लगा लें, हमारा सही होगा या नहीं होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेरी है आज के टाइम में, तो इसको ही आज हम लेकर चलते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है जैसे कि आपका देखा है जी, नीट, यूपीएससी, कुछ एग्जाम हमारे इस तरीके से होते हैं जिनमें हमारी नेगेटिव मार्किंग चलती है। तो नेगेटिव मार्किंग और नो नेगेटिव मार्किंग, अगर नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप आराम से तुक्का लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चन पर ही तुक्का लगाइए, इससे ज्यादा लगाओगे तो ये बेवकूफी होगी, इससे अगर आप ज्यादा लगाओगे तो ये बेवकूफी होगी। और सबसे मेन बात क्या होती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है हमारे मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं, तो इससे ज्यादा आप तुक्का नहीं भी लगा सकते हैं। अब आप कहोगे तुक्का लगाना कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ पर तुक्का लगाना है। देखिए हम जब एमसीक्यूज देखते हैं, हमारे सामने पेपर आता है और हम एमसीक्यू देखते हैं, तो एमसीक्यू देख के हमारे पास ना तीन फेसेस क्रिएट होते हैं और उन तीन फेसेस के अंदर अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग सिचुएशन हमारी चलती है। तो हमारे जो फर्स्ट फेस है, फर्स्ट फेस के अंदर हम वो लेके चलते हैं कि भाई आपने क्वेश्चन देखा और आपको आ गया और आपने सही टिक कर दिया। फर्स्ट तो हमारी ये होती है कि आपको आता है और आपने उसमें सही राइट टिक कर दिया एकदम, ठीक है। अब सेकेंड फेस हमारी क्या लेके चलती है, सेकेंड फेस ये होती है कि इसमें क्या होता है बच्चे कि इसमें हमें थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा बट हम इसे कर देंगे, ठीक है, थोड़ा हम इसे सॉल्व करेंगे और हम इसे कर देंगे। थर्ड जो फेस होता है वो हमारा ये होता है कि काफी टिपिकल सिचुएशन होती है और उसको हम सॉल्व करने लग जाते हैं और कि हमारा तो ये सही हो जाएगा। तो ये तो आपकी सबसे ही बड़ी बेवकूफी है, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको पहले से दिख रहा है कि काफी हार्ड है और आप उसको सॉल्व कर रहे हो, टाइम की वैसे शॉर्टेज होती है, तब आप अपना समय खराब कर रहे हो पूरी तरह से, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या है, अब जब आपके पास काफी हार्ड सिचुएशन है और आपको वो एमसीक्यू नहीं आ रहा, तो इस फेस में हम तुक्का लगा सकते हैं, थर्ड फेस के अंदर हम तुक्का लगा सकते हैं। और इस तुक्के में किस तरीके से हम लगाएंगे ये हम सीखेंगे आज, किस तरीके से हम लगाएंगे, ठीक है ना, ये आप ध्यान दोगे इस बात का। अब यहां पर मैं आपके लिए लेकर आई हूं, थर्ड फेस के अंदर आप किस तरीके से तुक्का लगा सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए बच्चे मेरे पास सुनिए ध्यान से, थर्ड फेस में हमारी प्रॉपर 5 कैटेगरी होती है, 5 टाइप्स होती है। इन टाइप्स को हम समझेंगे किस तरीके से आप लगा सकते हो, किस तरीके से आप नहीं लगा सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ज्यादातर जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें होते हैं आरोप दावक नमोदव, ये जरूर आपको मिलेगा, चाहे आप कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, उसमें ये आपको जरूर मिलेगा। तो मैक्सिमम जो होता है 90% जो चांसेस होते हैं उसमें, 90% चांसेस होते हैं या तो वो आरोप दावक होगा, 5%
5% चांसेस होते हैं वो नन ऑफ द अबव होगा, तो 90% में ऑल ऑफ द अबव लगता है, 5% में नन ऑफ द अबव लगता है। आप काफी कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए, कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा के देख लिए, यही आपका फंडा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है, काफी सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई नंबर है कि मान लीजिए ये इस तरीके से कोई नंबर दिया हुआ है आपको, जैसे 1, 2, 3 और 105 या 107, तो आपको इसमें से देखना है कि ये तो सिमिलर एक दूसरे के आसपास है और ये काफी बड़ी क्वांटिटी है, तो ये आपको कट करना है, ये आपको कट करना है। इस तरीके से बोलते हैं ऑड वन आउट। अगर आपको इन तीनों में भी कोई टिपिकल लगता है तो उसको भी कट करना है, तो इसका मतलब आंसर हमारा इन तीनों में से ही है, आंसर हमारा इन तीनों में से ही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिमिलर नंबर। सिमिलर नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे सिमिलर नंबर हमें ये दिया है कि मान लीजिए वो हमसे कोई भी देता है, एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ सिमिलर नंबर्स में से। सिमिलर नंबर्स का मतलब क्या होता है, कैसे आपको वो सिमिलर दिखाई दे रहे, किस तरीके से आपको वो सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शन है, तो एक तो आपके पास है CH2Cl, ठीक है, दूसरे आपके पास है CH2Br, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने उसमें दे दिया CH2OH एंड CH2COOH, ठीक है। अब इस तरीके से हमारे पास ये दिए हुए हैं नंबर ऑफ, हमारे पास ये मतलब फॉर्मूले दिए हुए IUPAC नेम एंड नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं, तो इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों तो सिमिलर है क्योंकि ये हमारे हैलोजन है, ये हमारी हैलोजन फैमिली हो गई, और ये दोनों अलग डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है, तो इसका मतलब आंसर इन्हीं में से ही होगा, आंसर इन्हीं में से ही होगा, ये हमारे सिमिलर नंबर्स होते हैं। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो सिमिलर फिगर दिए हैं, तो आपको किसमें से चेक करना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गए, ये तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते, तो आपको इसमें से देखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं एंड पॉइंट्स की। एंड पॉइंट्स के मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि आपको काफी सारे नंबर दिए, जैसे कि कोई नंबर दे दिया आपको 2, 4, 8, यहाँ पर आपको दे दिया 12, और यहाँ पर आपको दे दिया कोई भी, आपको दे दिया यहाँ पर 206, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि अगर आपका आंसर आता है तो वो आपका ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, इन तीनों की बात कर लेती हूँ, इन तीनों के अंदर मैक्सिमम बार, मैक्सिमम टाइम से ही होता है, मैक्सिमम टाइम से ही होता है कि ये जो दोनों नंबर एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है, ये वाले छोटे जो नंबर्स होते हैं इनका काफी चांसेस होते हैं सही होने के, और ये आपका क्रॉस हो जाता है। तो एंड पॉइंट्स में क्या होता है, एंड पॉइंट्स आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, और जो बाकी बचता है वो आपका आंसर होता है। इन दोनों में से ही कोई ना कोई आपका आंसर जरूर होगा, कोई ना कोई आंसर आपका जरूर होगा, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी देखिए, मैंने काफी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे, काफी मैंने देखा है कि जो आंसर होता है ना वो बी और सी, आप भी उठा के देखना, ये मैं साइंटिफिक स्टडी के बेस पर बोल रही हूँ, ऐसे कोई भी क्वेश्चन, ऐसे कोई भी बात नहीं है कि आपको लिया और बोल दिया। साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि जो बी और सी हमारे होते हैं, बी और सी ऑप्शन मैक्सिमम 90% होते हैं, 90% हमारे बी और सी होते हैं। साइंटिफिक स्टडी हमें ये बताती है कि ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव ही मैक्सिमम टाइम यही ऑप्शन हमारा राइट होता है, ये वाला 5% हमारा राइट होता है। साइंटिफिक स्टडी हमें बताती है कि जब भी आप कोई एमसीक्यू करते हो, सबसे पहले उसमें से ऑड वन आउट करना सीखिए। ऑड वन आउट करने से आपको जो आपके ऑप्शन है वो कम होने शुरू हो जाएंगे, और आपको उसमें से देखना पड़ता है किस तरीके से हम करते हैं। आपने देखा होगा केबीसी में, केबीसी आते हैं लोग खेलने के लिए टीवी के ऊपर, तो क्या करते हैं वो लोग, जब उनको आंसर पता नहीं होता तो क्या करते हैं, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, इन दोनों में मुझे डाउट है, इसमें मुझे सोचना है, ऐसे तो वो करते हैं। तो आपको भी यही दिमाग लगाना है, आपको भी यही दिमाग लगाना है कि क्या करना है उसके अंदर, ठीक है। ये सब सारे बिहाफ पर, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनकी स्टडी के बिहाफ पर ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। लेकिन एट लास्ट मैं आपको यही बात कहूंगी कि तुक्का ठीक है लग सकता है हमारा, लेकिन लास्ट में आपको मैं यही कहूंगी, अपनी सिर्फ अपने जो आपका स्टडी है, जो आपकी स्टडी मटेरियल, आपके कंसेप्ट है, वही आपके काम आते हैं, वही आपको पढ़ने हैं। ये तो एक वो चांस है कि भाई आपको बिल्कुल ही कोई क्वेश्चन नहीं आया और आपको उस पर तुक्का लगाना है, तो आप ये प्लीज फॉलो कर सकते हैं, और आपको फॉलो करने चाहिए उस समय। लेकिन अगर आपको आता है, आप कोशिश करें अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर करके, अपनी पूरी होल सिलेबस आप अपना पढ़े, और अपना आप उनको देखें, आप उनको फॉलो करें, टॉपर्स को फॉलो करें कि वो देखो किस तरीके से वो करते हैं, और आप नीचे की तरफ ना देखें, ऊपर की तरफ देखकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। और ये सारे मेथड जो होते हैं ये तो लास्ट में आपको सिर्फ उस समय सिचुएशन पर लगाने हैं जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है एमसीक्यू के केस में, क्योंकि एमसीक्यू जो होते हैं हमारे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, और एक नंबर के ऊपर हम इतना समय खराब कर देते हैं कि हम अपना बाकी का पेपर भी इन्हीं के चक्कर में भूल जाते हैं।
ठीक है ना। तो ये मैं 9th और 12th क्लास के बच्चों के लिए कह रही हूँ, बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो ये चीजें, और ये सारे साइंटिफिक बेसिस है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में एक बार वन टाइम थैंक यू जरूर लिखना, क्योंकि इससे मुझे ये लगेगा कि इसमें आपकी थोड़ी हेल्प जरूर हुई है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाऊं, ताकि आपका बिल्कुल आपका जो बिल्कुल कंसेप्ट है, मतलब एक स्टडी को लेके एक आगे जो एक फोबिया बन जाता है कि नहीं ये चीज़ कैसे होती है, हम इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे, सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में एक थैंक यू लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।